मेरा बेटा बेटी डर रहा है, हम फटा रहे। बाबा ये कैसे पटाखा देखे रस्सी का जरा देखिए फट गया। हेलो गाइज, स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी कोई बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ शिव गुरु के आशीर्वाद से। मेरी सास अभी पूजा कर रही है और वीर का स्कूल खुल गया है। वीर को जा रहे हैं, उठाएंगे, स्कूल जाएगा। स्वानी तुम्हारा कोचिंग नहीं है? स्वानी आए, स्वानी कोचिंग जाओ। कब है कोचिंग? 9 बज रहा है, उठो वीर। वीर उठो, स्कूल है, चलो स्कूल खुल गया, उठो उठो जल्दी से, उठो स्कूल है, चलो स्कूल चालू हो गया, चलो उठो। फिर घूम के सो गया, उठो स्कूल है, जल्दी उठो, उठो जल्दी से, जल्दी उठो स्कूल है, छुटो 9 बज गया है, 10 बजे जाना है, जल्दी उठो। टिफिन क्या बना देंगे जल्दी बोलो, बनाने में टाइम लगेगा, क्या टिफिन बनाएंगे, उठो जल्दी से। घर और सब रंग कराना है। यहाँ तो दोनों दीवार में वॉलपेपर है, उस दीवार में और इस दीवार में, बाकी ये सब दीवार में रंग करवाएंगे। गाइज आप लोग का घर में दीपावली का कैसा तैयारी हो रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम लोग का यहाँ तो सब रंगाई चालू हो गया है, बारी घर में सब जल्दी सब अपना अपना घर रंग कर रहा है। और मेरी सास रंग करवाएगी शुक्रवार को, देखिए हम कब करवाएंगे। नीचे रसोई घर भी रंग करवाना है, ऊपर घर भी रंग करवाना है, बहुत काम है। दूध चढ़ा दिए हैं चाय बनाने के लिए, जल्दी मुँह धो। अब क्या टिफिन क्या करेगा, लेकर आओ जल्दी से मोदी दुकान से। चीनी चपत्ती डाल दिए हैं, अदरक भी डाल दिए हैं, चाय धीरे धीरे खोल रहा है और वीर का ये स्कूल ड्रेस सब रख दे रहे हैं। सुबह में एक ही बार कांसी हो रहा है, रात को हो रहा है, ऐसा हो रहा है कि मतलब दम रुक जा रहा है, इतना जोर कांसी हो रहा है। तो जल्दी मुँह धो के दवाई खाओ तुम। और ये हम पराठा बनाने जा रहे हैं, तो ये पराठा बन चुका है वीर का टिफिन का, और ये कुछ बेल रहे हैं अभी भी। ये वीर के लिए टिफिन है, वीर रूटीन सजा रहा है, जल्दी करो जल्दी रूटीन सजाओ। चाचू आए हैं, जो बैग टिफिन और पानी रख दिए हैं, रूटीन सजाया है, फिर भी इतना भारी बैग है, उड़ा जल्दी। 10 बज गया है, देखो सवेर का 10 बज रहा है, जा वीर चल गया स्कूल, उसका चाचू छोड़ने जा रहा बस स्टैंड के पास। सुहानी भी स्कूल जाएगी, सुहानी का एग्ज़ाम चल रहा है, तो जा रहे खाना भी बनाएंगे, गोभी बनाएंगे, गोभी सब्जी भात। कल भी तो गोभी खाए थे, कल गोभी का खाई थी, वो तो हम मांग के लाए थे मंजू मम्मी जी से, मंजू मम्मी जी से सब्जी मांग के लाए थे। फूल गोभी आलू सब्जी बनाएंगे, कल जानू बाज़ार से गोभी ला कर रखे हैं। और मेरी सास अपन बेटी से बात करी, मेरी ननद से बात करी है फ़ोन में, जा रहे कपड़ा बहुत है, कपड़ा भी खींचना है हमको, ऐसे कपड़ा निकाले हैं, जा रहे खींचेंगे कपड़ा, कल खींचे नहीं थे हम कपड़ा। और यहाँ पर ही चावल का पानी चढ़ा दिए हैं, चावल बनते भी रहेगा जब तक कपड़ा भिंगा दे। सुहानी पढ़ाई कर रही है गाइज, उसका एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए आज कौन सा एग्ज़ाम है सुहानी? हाँ देखिए पढ़ रही है। और मेरी सास धनतेरस में क्या करना है वही सब वीडियो देख रही है, मेरी सास हाँ सुन रही है। देखिए धनतेरस में क्या करना है, देखिए माँ लक्ष्मी का सब देख रही है यूट्यूब में। अभी बज रहा है 11:30, तो गाइस देखिए हम कपड़ा भी खींच रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं, ऊपर खाना चढ़ा दिए हैं, अपना भूज भी रहे हैं, कपड़ा भी खींच रहे हैं, एक एक बार उठ उठ के सब्जी हिला दे रहे हैं। ये गोभी बन चुका है गाइस, तो गाइस खाना भी बन चुका है, कपड़ा भी खींच ली है, देखिए खींच के रखे हैं, जा रहे हैं पसारेंगे कपड़ा। जी सब सोचे तो भात खाएंगे, भूख लगा है, भात का हड़िया खोल के देख रहे हैं, मारी नहीं पसाए, देखिए हम भात का मार ही नहीं पसाए, हम सोच रहे कि हम मार पसा दिए, देखिए भात का मार इसी में ही है, गैस बंद कर दिए हैं, मार पसाएंगे बोल के यार, कपड़ा भी धो रहे थे बस धोने बैठ के मार नहीं पसाए, भात मार एक साथ ही। बाबा आज मेरा भात भी लग रहा ख़राब ना हो जाए, कैसा
भूल गए पूरा, मारी नहीं पसाए हम। और इसी गैस बंद कर दिए, ढक्कन ढक के गैस बंद कर दिए, हमको ध्यान आ रहा कि हम भात पसा लिए हैं। अभी जब हम थोड़ा भात खाने गए तो देख रहे कि हम तो मारे नहीं पसाए हैं, वैसी रख दिए हैं। देखिए गैस अभी हम मार पसा रहे हैं, भूल गए एकदम, पहला बार ऐसे हुआ। एक बार तो भात बनाना भूल गई थी। एक दिन तो भात बनाना भूल गए थे, जब दोपहर में खाना खाने जा रहे हैं, सब्जी उब्जी लेके बैठे हम, भात खुज रहे, भात का हुआ है, देख रहे भात का पानी चढ़ाया है वो, लेकिन चावल नहीं डाले हैं, अब भात भी नहीं बना, भूल गए थे भात बनाने। का अवस्था, एक दिन भाते बनाना भूल गए तो फिर हम भात बनाए। क्या पता भात का क्या हाल है, भगवान जाने, खाने के टाइम पता चलेगा। मार भात जैसे हो गया, देखिए पूरा पचपच हो गया भात, तो मार मार भात हो गया है। तब भात और गोभी का सब्जी ले लिए, भूख लगा जा रहा है खाने। और ये सुहानी देखिए चूल झाड़ रही है, स्कूल जाने का तैयारी कर रही है। फ़ोन आ रहा है सुहानी, फ़ोन बज रहा है तुम्हारा। तो गाइस सुहानी स्कूल चली गई है खाना खा के, और अब ऊपर घर का काम है, ऊपर घर सरियाना है, सब बासी बिछना वैसे ही पड़ा हुआ है। वीर का स्कूल था तो जल्दी जल्दी हम नीचे चल गए थे, नीचे जाके हम काम कर लिए हैं अब, और कुछ थोड़ा भात भी खा ली, अब जा रहे सब सरियाएंगे बुछाएंगे। तो जानू आ गए हैं गाइस काम से, ड्यूटी से, देखिए लीजिए गोभी का, गोभी ने मना मछली खाइएगा। तो खाना अब निकालने जा रहे हैं गाइस, हम लोग खाना खाएंगे। तो खाना निकालने जा रहे हैं हम, तो वही तभी थोड़ा सा भात खाए थे बाटी में लेके, उसके बाद हम ऊपर घर जाके सरियाएं गुछाएं, फिर कुछ शॉर्ट वीडियो बनाए, और अब जा रहे, अभी जाने वाले हैं, अभी बज रहा है। तो खाना वाना खा लिए हैं, फिर स्कूल से आ गया है। हाँ देखे, क्या देखे, अरे जल्दी चेंज करो, खाना खाओ और नहाओ, कोचिंग पढ़ने जाओ, खाना खा के ताई, ताई। दाल भात क्या, गोभी फूल गोभी का सब्जी बनाया है, तो ना मछली का आएगा। तो चाय बन चुका है, सोनी चाय बनाई है, लेके लेके आ रही है सोनी चाय, दादी को दे दी चाय। दीपिका के दिन से हम लोग का घर में नहीं आ रही थी, क्योंकि वीर से झगड़ा हो गया था, इसलिए वीर इसको घर में आने मना कर दिया था गुस्सा से, इसलिए नहीं आती थी घर में ना रे, लाला दादा बुका छिलो, इसलिए नहीं आ। सुहानी टोस्ट बिस्किट दे, तो जा दीपिका नहीं आए तो टोस्ट बिस्किट का दो टोस्ट, देख और कुछ गाय चाप पड़े जावे तो की कोचिस। दीपिका मर पाए तेरे, ये देखिए दीपिका का कर रही है, की कोच ओटा की, ओटा की कागज गुलो काने पायर भीतर लागत चीज, हाजा कमे जावे, हाजा कमे जावे, अमर पाए की हाजा আছে, তুই হাজা ঠিক করছিস, তুই হাজা ঠিক করনে আলে কি মিস্ত্রি ডাক্তার ডাক্তার। তো গাইস আবি হাম বানা রহে হ্যায় আলু একদম, দেখিয়ে আবি মশালা লাল কর রহে হ্যায়। सवेर में ही हम मसाला जो पीसे थे ज़्यादा करके पीस लिए थे, तो आधा मसाला से हम फूलगोभी का झोल बनाए थे, तो कुछ फूलगोभी देखिए दोपहर का बचा हुआ है, गरम कर लिए हैं, और आधा मसाला जो बचा हुआ था हम फ्रिज में रख दिए थे, तो मसाला बचा हुआ था सवेर का, तो देखिए अभी हम उसी मसाला का मसाला से हम बना रहे हैं आलू दम, आलू को उबाल लिए हैं और बना रहे हैं पूरी। ये देखिए प्रीति को बुला के लाएंगे, बोलेंगे बेल दो तुम, वो बेल देगी हम फटाफट छान लेंगे, बहुत सारा है इसीलिए। मेरा जानू का बस में चले ना, रोज़ पूरी बोले, पूरी आलू दम उसको बहुत पसंद है, पूरी उसका बस में चलो रोज़ पूरी खाए। हर रोज़ मछली खाए दोपहर में, और थोड़ा ज़्यादा बस चले तो मटन खाए, तो ये जानू का ही फरमाइश है। हम सोचे हम जानू को बोले कि आलू दम बनाते रहे जानू, तो बोले कि आलू दम बना रही है, पूरी भी बना, पूरी भी बना। तो बोले ठीक है पूरी बना दे रहे हैं। फटाका फटाफट, पापा फटाका फटाएगा, दो देखो, देखिए गाइस नया फटाका निकला है गाइस, फटाका फटा रहा है, बेटा बेटी डर रहा है, हम फटा रहे हैं।
बाबा ये कैसे पटाखा देखिए गाइस, दीपावली आ गई है, दीपावली का पटाखा बम बाजा सब चालू हो गया है। काहे डरा रहा वीर, ए आकाश तू फटाक चीज ना तोर बम को थाय बाबा आवाज बहुत है लेकिन जोर से सुहानी से हो ही नहीं रहा है। चॉकलेट बम हाथ में फोड़ते थे अभी सारा कितना टान जोर से जोर से सुहानी देखिए कहाँ डर रही है सुहानी से फटी नहीं रहा है। फिर मेरे सामने नहीं फटाओ मार खा जाएगा देख रहे हैं ना मेरा सामने आके फटा रहा वीर देखिए देखिए बीर फटा रहा है गाइस देखिए रस्सी का जैसे ओए देखिए फट गया फट गया फट गया जल गया छिटका सामने करके ही करोगे तो छिटकेगा तो बदन में दूर से करोगे ना आई दीप तो बम को दाई আমার বমটা আমি আর কি ফাটাবো তো বাচ্চারা ফাটায় আমরা আমরা থরি না ফাটাবো সিলিন্ডার আন্ডার হ্যাঁ গ্যাস উসে বাহার যাকে ফাটাও বাবু দেখ রা এই বহুত লড়কা টো বদমাশ হ্যাঁ পুরা কিরকির হো যা রা হ্যাঁ একদম গাইস পুরি দেখিয়ে বানা লিয়ে হ্যাঁ আর সবকে কো খানা দে দিয়ে সবকে খা লিয়া হ্যাঁ লাস্ট মে হাম খা রহে হ্যাঁ তো ঠিক হ্যাঁ গাইস আজ কা ব্লগ হম নেই খতম কর রহে হ্যাঁ আব মিলতা দিয়ে নয়ে ব্লগ মে तब तक के लिए बाय और गुड नाइट आप सभी को।